ये खुफिया जो मैं कर रहा था, ये कल मुझे संकेत हुआ कि जब इन्होंने घर के आंगन में झगड़ा किया, और जो झगड़े का मियाँ बीवी में झगड़े तो होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस झगड़े की जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें शंका तो मुझे वहीं पैदा हो गई थी, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं थे। तो उसके बीच में मुझे कोई संकेत मिलता है और फिर मैं आता हूँ नीचे देखने के लिए कि क्या था एक्चुअली। और जब आके मैंने देखा तो यहाँ तो कुछ और ही मामला निकला, उसके प्रति मैं जो जासूसी करने आया था। चलिए, आपने यहाँ देख तो लिया, अब आप मतलब इस जो आपने अपने आँखों से सबूत दिखाया, अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अब मेरा ये होगा कि महज अब जो अगली रस्म हमारे घर में जो खुशी की आने वाली है वो है गोद भराई की, मेरी पत्नी की है, तो उसको मैं खाली नहीं जाने दूंगा, उस पर अपना जो वार है वो निकाल के रखूंगा, अपने तीर जो हैं वो मेरे कमान से निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये खुफिया जो मैं कर रहा था, ये कल मुझे संकेत हुआ कि जब इन्होंने घर के आंगन में झगड़ा किया, और जो झगड़े का मियाँ बीवी में झगड़े तो होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस झगड़े की जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें शंका तो मुझे वहीं पैदा हो गई थी, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं थे। तो उसके बीच में मुझे कोई संकेत मिलता है और फिर मैं आता हूँ नीचे देखने के लिए कि क्या था एक्चुअली। और जब आके मैंने देखा तो यहाँ तो कुछ और ही मामला निकला, उसके प्रति मैं जो जासूसी करने आया था। चलिए, आपने यहाँ देख तो लिया, अब आप मतलब इस जो आपने अपने आँखों से सबूत दिखाया, अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अब मेरा ये होगा कि महज अब जो अगली रस्म हमारे घर में जो खुशी की आने वाली है वो है गोद भराई की, मेरी पत्नी की है, तो उसको मैं खाली नहीं जाने दूंगा, उस पर अपना जो वार है वो निकाल के रखूंगा, अपने तीर जो हैं वो मेरे कमान से निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।